प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक मंगलवार को हुई। मोदी सरकार द्वितीय की इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे द्वारा बल्ले से एक अधिकारी की पिटाई के मामले पर भी बयान दिया और कहा कि किसी का भी बेटा हो उसकी ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों ने स्वागत किया उन्हें पार्टी में रहने का हक नहीं, सभी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। गौरव के भी कुछ दिन पहले भोपाल से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा नगर निगम के एक अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीते दो दिन पहले ही उनको जमानत पर बाहर निकाला गया। बता दें कि संसद भवन की लाइब्रेरी के जीएमसी बालयोगी सभागृह में हुई इस बैठक में पीएम मोदी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय देने और लोगों की समस्याओं को हल करने का आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को ऐसा ही आदेश दिया था, ताकि जनता के जनप्रतिनिधि जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के मौजूदा सत्र में मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। हालांकि बैठक के एजेंडे के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के किसी अंतर्राष्ट्रीय दौरे से वापस आने के बाद संसदीय दल की बैठक में उनके अभिवादन की परंपरा रही है। न्यूज डेस्क, StoryHowHindi.com।